उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। सातवां सर्वजाति समूह लग्न 8 मई 2023 को होने जा रहा है। हमारे वलसाड जिले के विधायक श्री भरत भाई पटेल हर साल ये समूह लग्न करते हैं और इस वर्ष भी ये 2023 में 151 जोड़ी का उन्होंने समूह लग्न का आयोजन किया है। तारीख याद रखिएगा, 8/5/2023 सोमवार को सातवां सर्वजाति समूह लग्न होगा और इसमें जो वय मर्यादा है 18 से लेकर 40 उम्र के कपल यानी जोड़ी यहाँ पर अपने समूह लग्न में भाग ले सकती है और विवाह के बंधन में बन सकते हैं और अपने संसार को सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। 8 मई 2023 को इस कार्यक्रम में हमारे गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल भी शामिल होंगे, साथ में हर संघवी जी भी शामिल होंगे और हमारे गुजरात के भाजपा के प्रमुख जो है सी आर पाटिल जी भी शामिल होने जा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। 8/5/2023 सोमवार को सातवां सर्वजाति समूह लग्न में करीब 151 जोड़ियां भाग लेगी और विवाह के बंधन में बंधेगी और अपने संसार को सकारात्मक तरीके से अपने पथ पर ले जाएगी। आइए बात करते हैं हमारे धारा सभ्य भरत भाई जी क्या कहते हैं इस मामले में। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। पत्रकार परिषद यहाँ पर कल हो चुका है और ये सातवीं बार फिर एक बार समूह लग्न यहाँ पर हमारे वलसाड में फिर एक बार होने जा रहा है और हमारे वलसाड के धारा सभ्य विधायक श्री भरत भाई पटेल जिन्होंने ये बेड़ा उठाया है कि गुजरात के हमारे वलसाड जिले के लड़कियों को कन्याओं को कन्यादान करने का जो उन्होंने अपने कंधे पे बेड़ा उठाया है, सकारात्मक कार्य कर रहे हैं। कहते हैं ना कि राजनीति में सकारात्मक कार्य करने से ही वो राजनीति में सबसे आगे बढ़ते हैं। ये लगातार 7 वर्षों से हम देखते आ रहे हैं कि भरत भाई हमारे धारा सभ्य सिर्फ राजनीति में ही नहीं, वो उन सामाजिक कार्य में इतना सारा अपना योगदान दिया है, अपना समय दिया है और अपना सकारात्मक समय दिया है। आइए बात करते हैं कि ये किस प्रकार से भरत भाई आज इस बार का जो आयोजन है वो किस प्रकार से कहाँ पर आयोजन होने वाला है और ये 151 कन्याओं का जो कन्यादान करने वाले वो किस प्रकार से सकारात्मक आयोजन करने वाले हैं। खूब स्वागत है तुम्हारा भरत भाई। नमस्कार मित्रों, उज्ज्वला चैनलना माध्यमथी आजे आप सौने नमस्कार करूँ छूँ अने पत्रकार परिषद तमने गई काले थई पण पत्रकार छी काममां होय आवी शक्या नथी तो आजे सर्वनाटी समूह लग्न बाबते अमे पत्रकार परिषद हम गई काले करी तो ये करने का हेतु ये है कि सर्वनाटी समूह लग्न कर चुके हैं इन फ्यूचर पास्ट में, अब भविष्य में हम सातवां सर्वनाटी समूह लग्न हम करने जा रहे हैं। कम से कम 125 तो हम कपल होगा ही, अगले साल 161 हुआ था लेकिन 150 के ऊपर हम करने वाला नहीं है क्योंकि इतना पब्लिक होता है, 40-50 हज़ार पब्लिक होता है और ये सब लोग को भोजन देने का, सबका मैनेज करने का इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ने हम लोग ये समूह लग्न ऐसे कर रहे हैं जैसे अपने घर में डिक्री के घर के आंगन में डिक्री का विवाह हो रहा है ऐसे लग्न कर रहे हैं। कोई इसमें 15 मिनट में पूरा करने के ऐसे नहीं है, हांटक की विधि हम अगले दिन करेंगे और लग्न ग्रंथी हम 8 तारीख को करेंगे सोमवार को 8 मई 2023। तो ये लग्न में अपना गुजरात का मुख्यमंत्री जो पहले आनंदीबेन भी आई थी, विजयभाई रूपाणी साहब भी आया था, भूपेंद्र भाई भी आया था, फिर वापिस ही करने जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल आएंगे, सी आर पाटिल साहब अपना प्रदेश प्रमुख आएंगे, हर्षन भी गृह राज्य मंत्री वो आएंगे और अपना वलसाड का प्रभारी मुकेश पटेल आएंगे और दूसरा मंत्री भी आएंगे, कनुभाई कैबिनेट मंत्री अमीठर का स्थानिक है, नाणा मंत्री वो आएंगे, सब धरासम भी आएंगे। इसीलिए ये सर्वनारी समूह लग्न में 40-50 हज़ार लोग और सीएम आने वाला है तो ये प्रोटोकॉल मेंटेन करने का ये सब हम लोग को ध्यान रखते हैं और ये सब जो 125-150 जो कपल होंगे उसको हम करियावर 30,000 का करियावर देंगे। करियावर की यादी इसमें है और 18 साल के ऊपर लड़की होगी इसका ही हम लेते हैं, LC मांगते हैं, आधार कार्ड मांगते हैं, उसका रेशन कार्ड मांगते हैं क्योंकि वो 18 साल से नीचे नहीं होनी चाहिए।
दूसरी बात यह है, हम क्या कह लेते हैं कि 40 ईयर से ऊपर वाला को किसी को हम इसमें शामिल नहीं करते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है सर्वनारी सम्मेलन में बच्चे वाले भी बैठ जाते हैं, ऐसे ये भी हम ठेकेदारी रखते हैं कि बच्चे वाला होगा वो इसको हम बैठने नहीं देंगे। और सब कास्ट के लिए है तो टोटल 21 कास्ट का लोग इसमें समावेश होएगा, सब 21 न्याटी का इसमें नाविल उजड़ियाट भी आएंगे, आदिवासी भी आएंगे, SC भी आएंगे, सब आएंगे। तो ये कोई बात नहीं है कि गरीब ही शामिल हो सकता है इसमें, एजुकेटेड भी आता है, गरीब आता है, मध्यम वर्ग आता है, पैसादार लोग भी इसमें शामिल होता है। क्योंकि हर माँ बाप को डिग्री का लग्न करने का डिग्री का लग्न करने के लिए विशेष चिंता होती है, किसी के पास ये पैसा नहीं होता तो अपने प्यारी जमीन बेचकर और गहने गिरवी रख के भी शादी कराते हैं। तो ये सब खर्चा से बचने के लिए हम सर्वनारी समूह लग्न कर रहे हैं। इसमें बहुत रिस्पॉन्स मिलता है, अपना गुजरात सरकार का मुख्यमंत्री श्री और सब कैबिनेट मंत्री और भारत का बड़ा बड़ा नरेंद्र भाई मोदी साहब भी सर्वनारी समूह लग्न को बहुत इम्पोर्टेंट दे रहे हैं। तो सही कहा है भरत जी ने कि जिस प्रकार से सर्वजाति लग्न यहाँ पे जो शादी यहाँ पे होने जा रही है 8 मई 2023 को तारीख जरूर याद रखेगा। और जो जगह है वो है जुजवा का जो परम का जो मैदान है, वहीं पे जो पिछले साल हुआ था उसी जगह पे इस साल भी होने जा रहा है। तो आप सब शामिल होइएगा, 151 से ज्यादा कन्याएं होगी और 151 कन्याओं को आपको कन्यादान करने के लिए आशीर्वाद देने के लिए जरूर पधारेगा। उज्जवल भारत हमेशा प्रयास करता है सकारात्मक चीजें सकारात्मक लोगों तक सही समय पर पहुंचाने का। उज्जवल भारत न्यूज के साथ बने रहिए, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। उज्जवल भारत न्यूज देश की प्रखर आवाज। सीमा भट्टाचार्य पटेल समाज की वाणी वलसाड़ से धन्यवाद।